Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. बजाज पल्सर RS125 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि भाई ये गाड़ी आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में मिलने वाली है, क्योंकि भाई बजाज ने जो है बजाज पल्सर NS125 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको NS160 से सिमिलर मिल जाती है। और भाई वो गाड़ी जो है वैसे भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम आपको मिलता है। बजाज पल्सर NS125 आपको इंडिया में जो है 93,690 रुपए की एक शोरूम मिल जाती है, और भाई वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, उसकी बात को छोड़ते हैं। लेकिन भाई आपको जो है इंडिया में RS125 भी मिल जाएगी, जो कि आपको सेम टू सेम RS200 की जैसी मिलने वाली है। लुक वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, फीचर वाइज आपको माइनर से कॉस्ट कटिंग मिल जाएंगे। और भाई इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको NS125 वाला ही मिलेगा, लेकिन गाड़ी के जो टायर के साइज हैं वो आपको थोड़े से पतले मिलेंगे। जो टायर साइज आपको NS125 में मिलता है, वही टायर साइज आपको जो है RS125 में मिल जाएगा, यानी कि आपको RS125 के फ्रंट में 80mm के टायर मिल जाएंगे और रियर में आपको जो है 100mm के टायर मिल जाएंगे। RS125 में आपको दोनों टायर ट्यूबलेस मिलने वाले हैं 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। लेकिन भाई आपको जो है NS125 में सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, यानी कि आपको इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन आपको RS में डुअल डिस्क ब्रेक मिल सकता है, क्योंकि भाई वो फुली फेयर्ड बाइक है तो भाई उसमें अच्छा नहीं लगेगा। बजाज RS125 में डुअल डिस्क ब्रेक दे सकता है, और भाई आपको RS में जो है ABS भी मिल जाएगा, जिससे कि RS जो है थोड़ी सी महंगी हो जाएगी NS125 से, लेकिन भाई वो काफ़ी प्रीमियम बाइक होने वाली है, वो भी 125cc सेगमेंट में। RS125 में आपको फ्रंट में मिलेगा टेलीस्कोपिक का फॉर्क, रियर में आपको मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जो कि आपको RS200 में और NS125 NS जो है 200 में आपको मिल जाता है, वही सस्पेंशन आपको जो है RS125 में मिल जाएगा। RS125 में आपको जो है प्रोजेक्टर के हेडलैम्प मिल जाएंगे, जो कि भाई काफ़ी कूल लगने वाले हैं। और इस गाड़ी का जो कंसोल रहेगा वो आपको मिलेगा सेमी डिजिटल, जिसमें कि आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएंगे जो आपको मिलता है RS में NS में, वही कंसोल आपको मिल जाएगा। और भाई इस गाड़ी के जो हैंडल बार्स होंगे वो आपको मिलेंगे क्लिप ऑन के, जिससे कि गाड़ी का जो राइडिंग का पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट साइड तो नहीं रहेगा, लेकिन उतना भी एग्रेसिव भी नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा। और गाड़ी की जो सीट्स हैं वो आपको मिलेंगी स्प्लिट में। और भाई आपको इस गाड़ी में जो है जो पीछे का इसका जो पीछे का टेल लैम्प है वो आपको RS200 के जैसा मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लगता है। RS125 में आपको जो है हेलोजन के हेडलैम्प मिलेंगे, और इसके जो टेल लैम्प है वो आपको मिलेंगे LED के, और जो गाड़ी के इंडिकेटर्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे LED के। RS125 में भाई आपको जो है पीछे मिलेगा टायर हैगर गार्ड, और इस गाड़ी का जो साइलेंसर है वो आपको भाई जो है जैसा मिलता है RS200 में वैसा आपको साइलेंसर मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। गाड़ी की जो फेयरिंग है वो भी आपको सेम मिलेगी, लेकिन जो फेयरिंग का साइज है उसमें आपको डिफरेंस मिल सकता है, ये गाड़ी थोड़ी सी पतली छोटी होने वाली है RS200 के मुकाबले। लेकिन भाई ये गाड़ी अगर इंडिया में लॉन्च होगी तो भाई काफ़ी ज़्यादा सेल फिगर पाएगी, क्योंकि इंडिया में जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि लोगों को अब दिक्कत हो रही है जो गाड़ियाँ कम मदद देती हैं उनको चलाने में। ऐसे में सभी कंपनियाँ अपनी गाड़ियों को अब जो है 125cc में लॉन्च करने का प्लान बना चुकी हैं, जैसे कि भाई आपको बजाज की पल्सर 125 नियॉन, पल्सर 125 स्प्लिट सीट और बजाज की पल्सर NS125 मिल जाती है, तो अब आपको RS125 भी मिलने वाली है। वहीं पर आपको जो है KTM की ड्यूक 125, KTM RC 125 मिल जाती है। यामाहा की ओर से R125 MT 125 कमिंग सून में चली रही है। तो भाई इंडिया में अब जो है 125cc की गाड़ियां बहुत लॉन्च होने वाली हैं। बजाज पल्सर RS125 में आपको 124.4cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा F5 के साथ। इस गाड़ी में आपको 12 HP का मैक्स पावर मिलेगा, और इसका जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा 11 Nm का।
साथ में आपको मिलेगा सिंगल सिलेंडर 5 स्पीड गियर बॉक्स, जिससे कि बाइक गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको लगभग 40 से 45 केएमपी का मिल जाएगा, और गाड़ी का जो टॉप एंड है वो आपको लगभग 120 के आसपास का मिलेगा। भाई जो NS125 लॉन्च हुई है उसका जो टॉप एंड है वो है 115, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छा टॉप एंड मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये एक फुल फेयरिंग वाली बाइक है, इस पे आपको विंड ब्लास्ट कम मिलेगा। अगर आप RS125 को भाई परचेज करना चाहते हो तो भाई आप चाहो तो गाड़ी का वेट कर लो, RS125 आपको जो है भाई 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर मिल जाएगी। भाई बजाज जो है बिना बताए अपनी गाड़ियों को लॉन्च करता है, जैसे कि आपको NS125 मिल गई तो भाई आपको RS125 भी जो है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी, भाई ये कन्फर्म है। अगर बात करें भाई गाड़ी के प्राइस के बारे में तो भाई ये गाड़ी आपको लगभग जो है इंडिया में 1,10,000 रुपये के आसपास तक एक्स शोरूम मिल जाएगी। बजाज की जो NS है वो आपको 93,690 की मिलती है, और जो RS होगी वो आपको लगभग 1,10,000-1,05,000 रुपये के आसपास तक एक्स शोरूम मिल जाएगी, लेकिन भाई ये कन्फर्म प्राइस नहीं है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.